जैसे रेसलमेनिया 34 पर रोमन रेंस जीते ले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो उसके बाद उनके करियर में क्या होगा और कुछ बड़े चेंजेस जो कि हो सकते हैं जो मैंने के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी रेसलर जो कि WWE चैंपियनशिप जो कि जीतता है वो मेन इवेंट पर, यानी कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे, तो या फिर कुछ भी हो यानी कि वर्ल्ड टाइटल जो कि जीते हैं उनके बाद जो कि पहले 2-3 महीने होते हैं ना, एक्सट्रीम रूल्स, पे बैक, मनी इन द बैंक, यहाँ तक बहुत अच्छे अच्छे मैचेस होते हैं। और WWE सेम रोमन रेंस के साथ भी करने वाली है जो कि पहले भी हमने होता हुआ देखा है WWE चैंपियनशिप के साथ, जैसे कि एज स्टाइल्स वाले मैचेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, स्टोरी लाइन कम, नए ओपोनेंट्स वगैरह हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, सब ड्रामा वगैरह कम होता है और जो कि हम ज्यादा देखना पसंद करते हैं हमारे फेवरेट रेसलर्स अच्छे से रेसलर के साथ भिड़ जाते हैं। तो इस बार रोमन रेंस के लिए जो कि सबसे बड़ी टीज हो रहे हैं वो है बॉबी लेस्ली और सेथ रॉलिंस। सबसे पहले तो बॉबी लेस्ली के बारे में बात करें, बॉबी लेस्ली जो कि हैं वो रेसलमेनिया 34 पर ब्रॉक लेस्नर के साथ लड़ने वाले थे, बट जो कि प्लान्स थे वो बाद में चेंज हो गए थे बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गया। बट अभी की अगर रूमर्स के बारे में बात करें तो जो कि बॉबी लेस्ली हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर राजी हो चुके हैं, तो इसके बाद जो कि सबसे बेस्ट पॉसिबल जो कि ओपोनेंट जो कि उनको मिल सकते हैं यानी कि रोमन रेंस को, वो ऑफकोर्स बॉबी लेस्ली ही होने वाले हैं। बट बाय चांस अगर बॉबी लेस्ली को स्मैकडाउन लाइव पर भेज दिया जाता है या फिर रोमन रेंस स्मैकडाउन पर होते हैं और बॉबी लेस्ली रो पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है जो कि सबसे बड़ी टीजिंग WWE ने निकाली थी, लीक करी थी, जैसे कि हमें पता था कि जो कि काफी ज्यादा अच्छा जो कि एक बॉन्ड बन रहा था रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में, जो कि बॉन्ड टूटकर एक लड़ाई हो सकती है अच्छी, जैसे कि डीन एम्ब्रोस जो कि है वो तो वापस आ नहीं रहे इतनी जल्दी, वो आ भी सकते हैं या नहीं भी सकते, बट जो भी है तब के टाइम पर अगर हम बात करें तो सेथ रॉलिंस जो कि है वो बेस्ट पॉसिबल ओपोनेंट हो सकते हैं उनके लिए। मेरे हिसाब से तो इनसे बेटर कोई ओपोनेंट हो नहीं सकता इन दोनों से। वैसे अगर WWE इससे बढ़िया कोई ब्रॉन्स रोमन वगैरह डालना चाहे तो वो सब कुछ हमने पहले से देख लिया है, और सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस भी पहले देखा है, बट वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा बिकॉज इस बार वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। और सही बात करो तो बॉबी लेस्ली वर्सेस रोमन रेंस जैसी तो चीज ही कोई नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, आप तक वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।